आग लगाने की, जलाने की, कत्ल करने की, झंडा उठाने की या तलवार उठाने की या पत्थर चलाने की कोई भी धर्म इजाजत नहीं देता, चाहे तो कुरान हो या गीता हो या बौद्ध धर्म हो या ईसाई धर्म हो, वो सब प्यार हो उसकी बात करते हैं। लेकिन ये लोग, कुछ कट्टर लोग जो देश में असामाजिक लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, वो ऐसी चीजें अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन भारत में स्थिति खराब हो रही है, भारत में स्थिति खराब हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं, इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो धार्मिक धर्म के आधार से राजनीति करते हैं, इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की बात करते हैं, इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो ईसाइयों के चर्च पे हमला करते हैं, इस बात के लिए वो कमजोर हैं जो बौद्धों की जमीनों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, इस बात के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो बौद्धों के तमाम मंदिरों को इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, इस बात का जिम्मेदार कोई धर्म नहीं है, इस बात के लोग वो लालची और लोभी लोग, इस बात के वो लोग जो अपने आप को उसका पंडा समझते हैं, अपने आप को एक अधिकार समझते हैं। धर्म किसी को इजाजत नहीं देता कि आप किसी के घर में आग लगा दो, धर्म कभी ये इजाजत नहीं देता कि किसी का कर्ज कर दो, धर्म ये इजाजत नहीं देता कि किसी की बहन बेटी के साथ बदतमीजी करो, धर्म ये इजाजत नहीं देता कि किसी के मंदिर को तोड़ो या मस्जिद को तोड़ो, धर्म तो भाईचारा स्थापित करता है, धर्म रहा ही नहीं, वो लोग धार्मिक है ही नहीं जो लड़ते हैं मरते हैं वो धर्म के नाम पर नहीं, अपनी अंग मूल पूजा के ऊपर। शांति कैसे बहाल होगी? शांति कैसे बहाल हो? शांति तो यहाँ 2000 वर्ष पहले से नहीं है, शांति काम खोज रहे हो तुम, जातिवाद के रहते यहाँ शांति होगी क्या? छुआछूत के होते हुए शांति होगी क्या? ऊंच नीच के होते हुए शांति होगी क्या? जहाँ धार्मिक भेदभाव के सांप्रदायिकता होने के कारण शांति रहेगी क्या? यहाँ शांति हो सकती है, सांप्रदायिकता और जातिवाद को खत्म कर दो, पूरी शांति आ जाएगी। और जो कट्टर धर्म के लोग हैं उनको जेलों में ठूंस दो, चाहे तो वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो या बौद्ध हो, दो दिन में शांति आ जाएगी। एक गवर्नमेंट का जो ढीला रुख है, लाइन ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, आपको मालूम है जब यहाँ कोरोना आया था, कोरोना में कह दिया गया था जो अपने मुंह पर मास्क नहीं लगाएगा 2000 रुपया जुर्माना होगा, आप छोटे से बड़े तक रस्ते में जा रहा है, रिक्शा में जा रहा है, पैदल जा रहा है, काम करने जा रहा है, कार में जा रहा है, सब मास्क लगाए थे। एक बार ऑर्डर कर दिया जाए कि कोई भी किसी के धर्म के बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं करेगा, किसी भी जाति के बारे में किसी भी जातिगत आधार पर ऊंचा नीचा नहीं दिखाएगा, उसको आजीवन कारावास होगा या 10 साल की सजा होगी, कल खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा। लेकिन जब नूपुर शर्मा जैसी लड़की ये अपना बयान देगी, और फिर कोई मौलवी कुछ और बयान देगा, कोई बौद्ध भिक्षु कुछ और जवाब देगा, हिंदू कोई सन्यासी अलग जवाब देगा, तो यहाँ पर झगड़े की जड़ खड़ी होगी। उसका प्रतिवाद नहीं करना है, गलत को गलत बोलना है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या ईसाई हो, लेकिन हम गलत इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि हमारे धर्म का आदमी गलत बोल रहा है, हमारी संप्रदाय का आदमी गलत बोल रहा है, हमारी जाति का आदमी गलत बोल रहा है, कभी वो जाति के साथ चला जाता है, कभी वो धर्म हिंदू धर्म के साथ, कभी मुस्लिम धर्म के साथ चला जाता है। उनको इस चीज को छोड़कर बुद्ध ने कहा था, सत्य के साथ जाओ, बुरे के साथ नहीं अच्छे के साथ जाओ। जो लोग गलत हैं, आक्रामक लोग हैं, विद्रोही लोग हैं, आतंकी लोग हैं, उनसे दूर हो जाओ, और उनकी जगह जेल खाना है, उनकी जगह कैद खाना है, उनकी जगह कोड़े हैं, उनकी जगह जुर्माना है, तब यहाँ पर शांति होगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।